हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी 11 5G फ़ोन में आप लोग वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में जो किसी का वीडियो कॉल आ रहा है और वीडियो कॉल आते ही आपका जो स्क्रीन है वो ऑफ हो जा रहा है और इसके वजह से आप लोग वीडियो कॉल को रिसीव भी नहीं कर पा रहे और वीडियो कॉल को कट भी नहीं कर पा रहे हो। अगर आपके फ़ोन में भी कुछ इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है गाइस, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे सॉल्व करोगे तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर से नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गाइस ऐप्स का, तो इस ऐप्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन होगा, तो इस ऐप मैनेजमेंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आप लोगों को फ़ोन के एप्लीकेशन को ढूंढ लेना है जिससे आप लोग कॉल या वीडियो कॉल करते हो। आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो और स्क्रॉल करके भी ढूंढ सकते हो। अगर आप लोगों को सर्च करना है तो सर्च कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये रहा फ़ोन का एप्लीकेशन, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक स्टोरेज यूसेज का ऑप्शन होगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक ऑप्शन होगा क्लियर डाटा का, तो इस क्लियर डाटा के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिलीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ऐसा करते ही फ़ोन का एप्लीकेशन का जो भी डाटा होगा या कैची फाइल्स वगैरह होगा वो सब यहाँ पर से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फ़ोन का सेटिंग्स है वो भी डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, मतलब सेटिंग्स वगैरह भी रीसेट हो जाएंगे और आपके फ़ोन में जो ये प्रॉब्लम था वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम वो भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद आप लोग और क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने टेम्पर्ड ग्लास को निकाल देना है क्योंकि यहाँ पर कैमरे के साइड में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है गाइस। अगर आपके टेम्पर्ड ग्लास के वजह से वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ठीक से काम नहीं कर रहा है या ब्लॉक हो गया है तब भी आपके फ़ोन में वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, तो इसलिए आप लोगों को टेम्पर्ड ग्लास को निकाल देना है। टेम्पर्ड ग्लास को निकालते ही आपका जो ये प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने Realme 11 5G फ़ोन में वीडियो कॉल स्क्रीन ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।